वेलकम बैक टू माई चैनल वंस अगेन। कैसे हैं आप सब? कोलकाता का दुर्गा पूजा में आप इस खास ब्लॉग का शुरुआत आज से हो गया है। सामने देख सकते हैं आदि टोला का पंडाल सज रहा है, ठीक है। तो अभी हम आपको एक स्पेशल जगह ले चलते हैं जहां बोला जाता है कुमार टुली, जहां से मूर्ति बनना शुरू होती है। तो चलिए लेट्स कवर करते हैं उसको। चलो 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 जल्दी चलो, क्योंकि हम भी, मेरे लिए भी फर्स्ट टाइम है ये, क्योंकि हमने भी देखिए कोलकाता में तो बचपन से हैं, लेकिन हम कुमार टुली आज तक नहीं देखे। मतलब कुमार टुली देखे हैं, मतलब मूर्ति बनते हुए तैयार होते हुए वो हमने आज तक नहीं देखा। तो चलिए चलते हैं कुमार टुली, क्योंकि हम भी बहुत एक्साइटेड हैं। तो पहले रास्ता क्रॉस कर लेते हैं, उसके बाद कुमार टुली जैसे लेने जा रहे हैं तो मुझे मतलब देखने जा रहे हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हम वाकई में माँ दुर्गा को लेने आ रहे हैं। मतलब वो अपने जो मायके से आती हैं, तो वो ससुराल से जो आती हैं, हम उनको लेने मतलब स्टेशन पहुँच मतलब ऐसे आ रहे हैं, मतलब ऐसा कुछ लग रहा है फीलिंग। तो काफ़ी एक्साइटेड है, चलिए। तो आप लोग ने देखा कितना सुंदर सुंदर प्रतिमा बनाई जा रही है, और अब हम आपको एक सीन दिखाते हैं यहाँ से। ही नहीं, यूनेस्को अवार्ड मिला है कोलकाता का दुर्गा पूजा को। कुछ तो खास था ही, कुछ खास है, कुछ तो बात है यहाँ का कोलकाता का दुर्गा पूजा में। चलिए और आपको दिखाते हैं पंडाल सब, बस सब मूर्ति चलिए दिखाते हैं आपको। कुमार टुली सिर्फ दुर्गा माँ का प्रतिमा बनाने के लिए नहीं, यहाँ बहुत सारा ऐसा ऐसा प्रतिमा भी बनता है। आप देख सकते हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी का, और ये देखिए अभी यहाँ से गणपति बप्पा को शायद ले जाया जा रहा है। और ये भी देखिए किस तरह से कलर किया जाता है, आप ये देख सकते हैं। और ये देखिए ट्राम है, ट्राम का बना हुआ चाय, ऑसम गजब, बहुत मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस वाज सुपर। चलिए और दिखाते हैं, ये देखिए ये अभी पूरा तरीके से कलर करना बचा हुआ है। गणपति जी, लक्ष्मी जी, सरस्वती जी,
अकेले आने में यही प्रॉब्लम है कि मेरा फोटो कोई नहीं उठा पाता, लेकिन ट्रस्ट मी आप सबको कोलकाता का कुमारटुली इस समय में ज़रूर आना चाहिए। अब हम जा रहे हैं थोड़ा गंगा नदी के पास। पापा को ऑफिस में भी काम है, एक्चुअली पापा के काम के चलते ही हमको यहाँ पे आने का मौका मिला। तो चलिए दोस्तों, अभी यहाँ देखते हैं कि और कोई मूर्ति बन रहा है कि नहीं, उसके फिर देखते हैं, आपको गंगा नदी भी दिखाते हैं। हुए हैं गंगा किनारे और आपको गंगा किनारे का सीन दिखाते हैं, आपको कैसा होता है। और साथ ही में एक रोमांचक चीज़ आपको देखने को मिल रहा है कि जो सामने आपको देख रहा है डीजे क्रूज, गंगा के किनारे आपको क्रूज में डीजे देखने को मिलेगा। तो चलिए उसका भी हम आपको सीन दिखाते हैं कि कैसा, मतलब गोवा जैसा फीलिंग आपको यहाँ पे भी इस कोलकाता में देखने को मिलेगा। तो चलिए दिखाते हैं आपको क्लोज से। तो वो देखिए, ऊपर से ड्रोन शूट हो रहा है और नीचे क्रूज का पार्टी, वो भी गंगा किनारे, कितना ऑसम लग रहा होगा आप वो देख सकते हैं। तो ये जस्ट ये नज़ारा देखने को मिला, देखने से तो कोई पार्टी ही लग रही है। तो इट्स लुक लाइक ऑसम। पिक्चर क्लियर नहीं आ रहा है क्योंकि काफ़ी दूर से लिया जा रहा है, लेकिन अच्छा है। लेबू चा यहाँ का टेस्ट कर रहे हैं कैसा है। चलिए नींबू चाय टेस्ट करते हैं। ठीक है, बढ़िया। एक तो ऐसा ग्रैंड पार्टी पीछे चल रहा है और ऊपर से ये नींबू चाय अगर पीने को मिल जाए तो, और वो भी गंगा किनारे, मौसम भी बिजली कड़क रही है, अगर ऐसा ये सब चीज़ कॉम्बिनेशन मिल जाए तो मज़ा ही आ जाए, है ना। तो चलिए, 5 रुपए का चाय वर्थ है, मतलब आप लोग ले सकते हैं, रिकमेंडेड है, और मज़ा आ गया। मतलब इस तरह का हमने कभी, मतलब इस तरह इवेंट हमने अकेले नहीं किया, फ्रेंड्स लोग रहते हैं, लेकिन अकेले में भी सेटिस्फैक्शन है। चलिए और भी आपको दिखाते हैं। अब हमको जाना है पापा से मिलने, क्योंकि काम भी था, पापा को एक्चुअली दिखाना था कुछ। अब हम आपको दिखाते हैं कोलकाता का चक्र रेल। ये है कोलकाता का चक्र रेल, एंड ये मतलब इंटर आउटर कोलकाता को पूरा, कोलकाता का बाउंड्री बोल सकते हैं, ये पूरा कवर करता है। तो चलिए यहाँ का चक्र रेल आपको दिखाते हैं। चक्र रेल लोकल ट्रेन जो आउटर कोलकाता को कनेक्ट करता है। कोलकाता का आधा कुछ हम समझे ही नहीं लिटरली, मतलब इधर वाला पार्ट तो हम जानते नहीं। यहाँ पापा का ऑफिस है, अब पापा हमको बुलाए हैं लेकिन हमको समझ में नहीं आ रहा कहाँ, अभी तक हमको समझ में नहीं। ये देखिए यहाँ पे भी मूर्ति सब ट्रक में लोडेड हो रही हैं, देखिए तरफ। एक्चुअली खाली एक मूर्ति तो नहीं रहता ना, इनके साथ 5 मतलब 4 और मूर्तियाँ रहती हैं, इंक्लूडिंग महिषासुर। तो गणेश जी, लक्ष्मी जी, सरस्वती जी, कार्तिक जी, चारों को, इनफैक्ट खाली अकेले दुर्गा माँ का प्रतिमा नहीं रहता है, तो इसीलिए थोड़ा और ज़्यादा प्रेशर हो जाता है, राइट।
वीकेंड का लास्ट डे है, वीकेंड के बाद ही अब दुर्गा पूजा स्टार्ट हो जाएगा। आप देख सकते हैं मेरे पीछे इतना भीड़ क्राउड, तो बम्पर ऑफर हर जगह हर कोना में चल रहा है खरीदारी। और अब बस हम लोग का भी काम हो गया, हम लोग चलते हैं घर, क्योंकि हम लोग का भी शॉपिंग सारा दिन चलता ही रहता, अब दिखते ही हैं, तो बस चलते हैं।